दादरी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में बरती गई अनियमितताओं के मामले में विवाद खत्म नहीं हो रहा है। अब जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने 6 पटवारियों सहित 8 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। कैंप थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में SDM कंवर सिंह को निलंबित किया जा चुका है, जबकि SDM जितेंद्र कुमार और नरेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल यूपी के दादरी से नवी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जिले के करीब 10 गांवों की जमीन अधिग्रहण की गई थी। गांव असावटी, जटौला, मैदापुर, प्रथला में रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का अवार्ड घोषित कर दिया गया। रेलवे की पॉलिसी के अनुसार जिस किसान की जमीन अधिग्रहित हुई उसे सरकारी नौकरी या फिर 5 लाख रुपये अतिरिक्त दिए जाने थे। लाभ लेने के लिए 6, 7, 12, 15 और 30 गज के टुकड़ों में की गई रजिस्ट्रियों में करीब 40-40 लोग शामिल कर लिए गए। करीब 100 गज जमीन के लिए 400 मालिकों को 22.5 करोड़ रुपए अवार्ड घोषित किया गया। रेलवे अधिकारियों को इतनी मोटी धनराशि जारी करने के दौरान शक हुआ और मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई। मामले का खुलासा होने पर जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त सत्येंद्र दुहन के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई। कमेटी में 3 SDM, 5 तहसीलदार, 4 रजिस्ट्री क्लर्क सहित 20 लोगों को मामले में संलिप्त पाया। जांच अधिकारी ASI संजय कुमार ने बताया कि जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने शिकायत दी है कि दादरी मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में रेलवे नियमों का लाभ उठाने के लिए 6 पटवारी, SDM रीडर और 1 कंप्यूटर ऑपरेटर ने नज़दीकी रिश्तेदारों के नाम जमीन खरीदी। पुलिस ने मामले में नामदर्ज सभी पटवारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्यवाही शुरू कर दी है। एक पत्र क्रमांक नंबर 3563 उपायुक्त महोदय पल्लव के कार्यालय से पश्चिमी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर की भूमि अधिग्रहण के मुआवजा में अनियमितता के रोड के संबंध में थाना पे प्राप्त हुआ, जिससे धारा 420-120 IPC के तहत अभियोग पंजीकरण किया गया है और ये अभियोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी और अदर ऑफिसरों के खिलाफ आपका इंक्वायरी DC साहब दर्ज किया गया है। अभियोग के अनुसंधान जारी है और 31 में जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर आगामी अनुसंधान अमल में लाया जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। अभी अभियोग दर्ज हुआ, अभी इतना रिकॉर्ड भी इंक्वायरी भी है, उसका रेनू रिकॉर्ड भी लेना, किस किस के मुआवजा किस किस जगह किसको गलत मिला है। जब रिकॉर्ड प्राप्त हो जाएगा तो उसके एवरेज आने पर उसको गिरफ्तारी की। उपायुक्त महोदय ने अपनी जात पत्र में जो FIR दर्ज करवाई है उसमें पटवारियों के और एजेंट के रीडर हैं उनके बाई नेम दर्ज करवाई है। जब रेनू संबंध रिकॉर्ड मुआवजा वितरण का अधिकरण जमीन किसकी थी, रेनू रिकॉर्ड के अनुसार किसको मुआवजा मिलना था, किसको भी अधिकृतता हुई है, उनका रिकॉर्ड प्राप्त होने पर फाइल के साथ से आने पर उनकी